जी हाँ दोस्तों, ये हैरान करने वाली खबर सामने आई थी कि सुशांत सिंह के शरीर को अंतिम बार देखने के लिए अस्पताल गई थी रिया चक्रवर्ती। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, मुंबई में करनी सेना के उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह राठौर ने मीडिया लीडिंग वेबसाइट से खास बातचीत के दौरान दावा ये भी किया है कि सुशांत मामले में संदीप सिंह का बिहेव सही नहीं है। सुरजीत का कहना है कि अस्पताल में संदीप और पुलिस के बीच दुबई को लेकर कोई बात हो रही थी। यहाँ एक और बात गौर करने वाली यह भी है कि संदीप सिंह पहले से ही सीबीआई के रडार पर हैं। सीबीआई की टीम संदीप सिंह से पूछताछ करने वाली है। सुशांत के निधन के बाद उनके फ्लैट पर पहुंचने वालों में संदीप भी थे। संदीप का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे सुशांत की शरीर ले जा रहे हैं, पुलिस वालों के थम्सअप करते नजर आ रहे हैं, यानी कि सुशांत के शरीर को ले जाते हुए पुलिस वालों को थम्सअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ संदीप ने नेशनल टेलीविज़न पर अपने बयान भी बदल दिए हैं। बहरहाल सुरजीत सिंह ने यह भी बताया कि वे 15 जून को कूपर अस्पताल गए थे। उनसे करनी सेना के राज्य अध्यक्ष ने ऐसा जाने को कहा था। सुरजीत कहते हैं कि स्टाफ को रिक्वेस्ट करने पर ही रिया को सुशांत के शरीर देखने के लिए इजाज़त मिली थी। रिया के चेहरे से मैंने ही कपड़ा हटा, यानी कि सुशांत के चेहरे से इन्होंने ही कपड़ा हटाया था जब रिया देख पाई थी सुशांत के अंतिम समय में दर्शन कर पाई थी। रिया ने जब सुशांत को देखा तो उसने सीने पर हाथ रखकर सिर्फ इतना कहा, सॉरी बाबू। आखिर क्या है सुशांत सिंह के दोस्त संदीप सिंह का दुबई से कनेक्शन? जी हाँ दोस्तों, हैरान करने वाली बात है कि दुबई से कनेक्शन क्या है संदीप सिंह का। इससे पहले भी कई ऐसे दावे किए गए हैं कि सुशांत सिंह के दोस्त ही अब दुबई में किसी की शरण में हैं, जहाँ पर उनको बचाया जा रहा है। हैरान करने वाली खबर है सुरजीत सिंह की तरफ से, इन्होंने बड़ा खुलासा किया है। अगर सीबीआई की तरफ से पूछताछ होती है तो सुरजीत सिंह उसमें भी पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।